नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पारस डिफेंस के बारे में आईपीओ स्टेटस जो है चेक करने के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का वो मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लकी हैं कि नहीं, आप लोगों को ये आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को फोर अदर स्टॉक्स जो कि मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कम्प्लीटली इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे आईपीओ का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। टुमोरो यानी कि ट्यूसडे के दिन यहाँ पे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का स्टेटस जो है आप लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहला और इजी तरीका जो है बीएससी की वेबसाइट पे जाके आप लोग ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो गूगल में आप लोग सर्च कीजिएगा आईपीओ स्टेटस इन बीएससी। तो यहाँ पे आप लोगों को दो तीन टैब ओपन होते हुए दिखाई देंगे। जो पहला ही यहाँ पे टैब है बीएससी का, आईपीओ एप्लीकेशन स्टेटस चेक बीएससी, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से नया जो है विंडो ओपन होके आता है। यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में एक चेक स्टेटस करके टैब आप लोगों को मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो विंडो है कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन होके आएगा, जहाँ पे कि इजीली आप लोग इक्विटी या डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इक्विटी सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही इक्विटी सेलेक्ट करेंगे, अगेन ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप लोगों को इस टैब में नेम इश्यू यानी कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज सेलेक्ट करना है। कल कल यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो जाएगी, तो कल ही ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप लोगों का डालना है, जो एप्लीकेशन नंबर होगा यहाँ पे आपका पैन कार्ड डालना है। उसके बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है यहाँ नीचे आई एम नॉट ए रोबोट पे, और उसके बाद लास्ट फाइनल स्टेप आप लोगों का रहेगा ये सर्च करने का। जी हाँ दोस्तों, सर्च वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं किया, पैन कार्ड फिल नहीं किया, इश्यू नेम जो है सेलेक्ट नहीं किया, तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, और कल ही यहाँ पे पारस डिफेंस का स्टेटस आप लोग चेक कर पाएंगे। तो ये तो रहा पहला मेथड जो कि बीएससी की वेबसाइट के अंदर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और केवल पारस डिफेंस के लिए नहीं, सारे आईपीओ जो भी बीएससी के ऊपर लिस्ट हो रहे होंगे इजीली आप लोग यहाँ पे उनको चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे चेक करने के लिए। दूसरा मेथड है यहाँ पे कि आप लोग, दूसरा जो मेथड है वो है लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे जाके। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे जो एड्रेस है इसको सेम टू सेम कॉपी करके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इसको सर्च करेंगे, तो कुछ इस तरह से टैब जो है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे तीन तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हैं। लिंक इन टाइम जो कि रजिस्ट्रार है पारस डिफेंस का, यहाँ पे चेक किया जा सकता है। आप लोगों को सनसेरा इंजीनियरिंग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लास्ट आईपीओ जो लिंक इन टाइम के थ्रू रजिस्ट्रार था, जो उसका सनसेरा इंजीनियरिंग था, इस वजह से यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन 28 सितंबर के दिन यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो है क्लियरली दिखने लगेगा पारस डिफेंस। तो पहला तरीका है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट कीजिए आईपीओ का नाम, यहाँ पे डालिए आप लोग पैन कार्ड, और उसको सर्च कर दीजिए। इसके थ्रू भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन के थ्रू चेक करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कीजिए सेम टू सेम अपने आईपीओ का नाम, जिस भी आईपीओ को आप लोग सर्च कर रहे हैं, इंटर एप्लीकेशन नंबर और सर्च कर दीजिए। तीसरा जो तरीका है डीपी क्लाइंट आईडी के थ्रू, डीपी क्लाइंट आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर देना है आईपीओ का नाम, यहाँ पे डीपी क्लाइंट आईडी, और इसको सर्च कर देना है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को जो है नीचे ड्रॉप डाउन से मेन्यू से दिख सकते हैं, कल यहाँ पे आप लोगों को पारस डिफेंस भी दिखने लग जाएगा। तो ये तो रहा पारस डिफेंस के बारे में मेथड, कई लोग कमेंट करके बताते रहते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे चेक करें। तो ये तो रहा तरीका चेक करने का, स्टेटस जो कि कल आप लोग चेक कर सकते हैं।
अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे शेयर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा था, चार शेयर लगभग मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि मल्टीबैगर हैं। सबसे पहली जो कंपनी है, मात्र 48 रुपीज़ के अराउंड इसका शेयर प्राइस चल रहा है, 143 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। अगर ROCE देखेंगे तो 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी 5% के करीब है और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप लोग देखेंगे तो 179% से ज़्यादा की, मैं तो कहूँगा बहुत ही ये ज़बरदस्त है। सेल्स ग्रोथ 67% की, एक कंपनी जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 143 करोड़ रुपए का है, इतने ज़बरदस्त पैरामीटर इस कंपनी के हैं। डेट मात्र 23 करोड़ रुपए का है। चलिए कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी करती क्या है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है, बनाती है, टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगर इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स में देखूं तो कंपनीज़ रिड्यूस कर रही है अपना डेट, कंपनीज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, बुक वैल्यू से सस्ता ये शेयर मिल रहा है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि बुक वैल्यू से सस्ते प्राइस पे ये शेयर कोई भी मिले। अच्छा क्वार्टर यहाँ पे कंपनी दे सकती है और 5 सालों का जो है यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी खासी है। वही कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कम है और बोरोइंग सीन्स कंपनी की जो है हाई लग रही है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि FII और DII ने भी इस कंपनी के अंदर माल उठाया है जून 2021 के क्वार्टर में। पहले प्रमोटर और अब FII और DII यहाँ पे शेयर होल्डिंग बना रहे हैं। भले ही कम शेयर होल्डिंग हो लेकिन FII ने कुछ तो शेयर होल्डिंग उठाई है। सबसे पहले प्रमोटर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पास 44.24% की शेयर होल्डिंग है जो कि पहले कभी जो है 34% के करीब हुआ करती थी। FII के पास 0.03% की शेयर होल्डिंग, DII के पास 0.23% और पब्लिक के पास जो कभी 65% हुआ करती थी आज की डेट में 55% के करीब है। टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड आज की डेट में लगभग 1.5% तक के ऊपर दिखाई दिया, 49 रुपीज़ के करीब ये शेयर था और बिलो 100 रुपीज़ कैटेगरी में मैं कहूँगा कि एक मल्टीबैगर शेयर है आप लोगों को यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट कंपनी जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,434 करोड़ रुपए का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। बहुत कम लोगों को इस कंपनी का नाम भी पता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इस कंपनी का नाम आप लोगों को पता हो पहले से ही। तो प्रॉफिट ग्रोथ 223% का है, अगर यहाँ पे देखा जाए सेल्स ग्रोथ तो 63% का, कंपनी के अंदर डेट मात्र 8 करोड़ रुपए का है और प्रमोटर की होल्डिंग 55% से ज़्यादा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड है। कंपनी पॉलीमर्स के इंसुलेटर्स बनाती है और इलेक्ट्रिकल बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इलेक्ट्रिकल बसेस, अब जहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस आ गया वहीं इस कंपनी को आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह की बसेस की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से इसको ऑर्डर मिल चुके हैं, इसकी ऑर्डर बुक बहुत ही फुल है। इंसुलेटर देखेंगे तो इस तरह के इंसुलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई दी, तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने में, बसेस बनाने में इंडिया में बहुत आगे है ये कंपनी। पहले ही बहुत सारी बसेस की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी कर चुकी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अपडेट आप लोगों के लिए मैं ये दे रहा हूँ। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड 416 रुपये के करीब शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ओवर द लॉन्ग रन कंपनी ने 1,439% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टॉक बताना चाहूँगा जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,447 करोड़ रुपए का है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये शेयर है और टाटा का मैं कहूँगा एक मल्टीबैगर शेयर है जहाँ पे कि आप लोगों को एक मौका देखना चाहिए। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि PVR और आइनॉक्स जो है कभी भी ऊपर छप्पड़ फाड़ रिटर्न आप लोगों को दे सकते हैं और इन दोनों शेयर्स ने आप लोगों ने देखा कि आज की डेट में कितना ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटका इन दोनों ने भी अब धीरे धीरे थिएटर्स को ओपन करने के लिए परमिशन दे दी है। तो यहाँ पे देखेंगे टाटा का ये शेयर, इस कंपनी का जो है प्रॉफिट ग्रोथ 72%, सेल्स ग्रोथ 29%, कंपनी का नाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करती है और इस कंपनी का जो एम है कि 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का, सोच लीजिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का बाय 2025, बहुत बड़ा ये प्लान है। और वो भी किसके थ्रू बनाएंगे, सोलर रूफ
सैम्ड प्लान के थ्रू ये बनाएंगे, यानी कि टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मल्टीबैगर शेयर है खरा सोना, ये है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर ने खुद यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे शेयर्स अपनी ही कंपनी के अंदर बाई किए थे। FII के पास 11%, DII 16% और पब्लिक के पास 24% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। अगर बात करूँ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की, तो कंपनी ने अभी तक 1264% के रिटर्न्स दिए हैं और डाउनफॉल के बाद कंपनी ने रिकवरी अच्छी खासी दिखाई है और डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी की अच्छी खासी है 1.1011% की। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक SME प्लेटफॉर्म का जो IPO था प्रीवेस्ट डेन प्रो उसके बारे में बताना चाहूँगा। प्रीवेस्ट डेन प्रो जिसकी की डेट जो है यहाँ पे 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक थी, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि 84 रुपये का ये शेयर पहले ही दिन आप लोगों के पैसे डबल कर सकता है। BSE SME के अंदर आज की डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के दिन ही आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को दे दिए हैं। 105 रुपये ऊपर ये शेयर आज की डेट में क्लोज हुआ 189 रुपीज़ के करीब। सोच लीजिए 189 रुपीज़ के करीब 84 रुपये का शेयर आज जिसको ये मिला होगा और क्लोजिंग इसकी कहाँ पे भी 189 और सीधे 125% के रिटर्न्स ये कंपनी आज के दिन में ही दे चुकी है। तो कई लोग उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था जो लोग कहते हैं कि SME प्लेटफॉर्म के अंदर पैसे नहीं बनते, उन लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी, आप लोगों को भी और सभी को स्टडी करना ज़रूरी है शेयर्स को, IPO को। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा आप लोगों को कि कैसा लगा ये वीडियो। और साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक दिए गए हैं, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा एंड अपस्टॉक, चारों के लिंक पर क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और इन्जॉय करें चारों की सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।